हरियाणा और दिल्ली के लोगों को राहत दिलाई। नेशनल अकाली दल ने बिजली कंपनियों पर बिलों में धांधली, मनमाने दरों और टैक्सों द्वारा उपभोक्ताओं से खुली लूट का आरोप लगाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर बिजली कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बिजली कंपनियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्होंने अपने हाथों में बिजली कंपनियों की मनमानी बंद करने, बिजली के बिलों को जीएसटी से मुक्त करने संबंधी तख्तियां और बैनर भी ले रखे थे। नेशनल अकाली दल के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार से ऐसी व्यवस्था करें जिससे उपभोक्ताओं को मोबाइल कंपनियों की तर्ज पर बिजली कंपनियों को भी चुनने का अवसर मिले। इससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी और उपभोक्ताओं को फायदा होगा। वहीं केंद्र सरकार के बिजली मंत्री को एक ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की गई। हमारी जो मांग है, जिस प्रकार बिजली की कंपनियां आए दिन लूट मचा रही हैं, लोगों को ठग रही हैं, लोगों के लिए जो आने वाली समस्या खड़ी कर रही हैं, इसको लेकर आज हम सड़कों पे उतरे हैं। क्योंकि जिस प्रकार आप देखते होंगे, मोबाइल कंपनियां आई थी तो 16 रुपये जो आउटगोइंग थी, 8 रुपये जो है इनकमिंग थी। मगर अब ज़्यादा कंपनियां आने से आपका 3000 साल में काम हो जाता है। मगर ये कंपनियां जो बिजली की हैं, इनकी मोनोपोली चल रही है और ये मुंह मांगे पैसे वसूलती है, टैक्स जो है इतने लगा देती हैं। आम बंदा जो है वो बिल नहीं भर पा रहा, वो कर्जे में डूबता जा रहा है। इसको लेकर, ये दर्द को लेकर आज हम सड़कों पे उतरे हैं। हम दिल्ली के सभी सांसदों से, सभी एमएलए से, सभी मंत्रियों से आग्रह करेंगे, वो दिल्ली के लोगों का दर्द जाने, दिल्ली के लोगों की समस्या को जाने। क्योंकि हाल इतना बुरा हो चुका है, इस समय लोग डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, काम काज वैसे नहीं है और ऊपर से इतने बिजली के बिल आने लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस चीज़ों को लेकर हमारा यही कहना है कि सरकार जल्द से जल्द और कंपनियां लाए और दिल्ली के लोगों को राहत दिलाए। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि जनता का फायदा होगा 200 यूनिट पे। देखो, ये 200 यूनिट कह के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मध्यम क्लास का हाल देखिए, मध्यम क्लास को 200 यूनिट निचले लेवल पर देकर वो भी अब पूरी तरह नहीं मिल रहा और उनको देकर मध्यम क्लास को लूटते जा रहे हैं। और ये सरकार सिर्फ अपनी राजनीति कर रही है, वोटों की राजनीति कर रही है, आम बंदे की समस्या हल नहीं कर रही। तो जनता को क्या कहना चाहेंगे आप जंतर मंतर से? मैं यही कहना चाहूँगा दिल्ली की जनता को, वह इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरे, अपने MLA, अपने सांसद, अपने मंत्री पर दबाव बनाए। क्योंकि जल्द से जल्द ये कंपनियां ना आई तो आने वाले समय में एक घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। परमजीत सिंह पम्मा के मुताबिक यही हाल रहा तो घर का गुजारा करना आने वाले सालों में बेहद मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी।